कांग्रेस नेता राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर लौटने को मजबूर हो गए और ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी और इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज सुबह अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा किया है। 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले शो से की गई और वहीं इसके बाद लोगों की जुबानी उनका दर्द बताया गया है। पैसे ले ले गई घर पे कोई पैसे मार देख लिया कम से कम किस्तें की किस्तें बढ़ा दिया है। खत्म होने वाला है चौथा वर्ष हो गया मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाए चौथे में क्या होगा फिर पांचवा बढ़ेगा कि छठवा कहाँ तक चलेगा कोई ठिकाना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है आप वापस आओगे 2-3 महीने में या अभी तक सोच ही नहीं आने के लिए बस अब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा वो उसकी चिंता नहीं है क्या क्या छोड़ा आपने खाने का बनाने करने का सामान सब छोड़ दिया सब छोड़ दिया जान बची तो लाखों पड़ेगी। तो आपको लास्ट मिनट पर पता लगा भैया एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद होगा बंद है एक दिन बंद ये नहीं समझा क्यों हुआ वो 4 दिन का गैप देता था एक भी बंद आ रही है 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते क्या करते और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप अभी 2 महीने 2 महीने होने वाले हैं 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया पड़ोसी से पैसे ले ले गई घर का कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के उनने भी कोई गेहूं बेच बेच के घर डाल घर से पैसे खा और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापिस यूपी जाने का इसलिए लिया क्यों लिया एक बार देख लिया 2 बार देख लिया 3 बार देख लिया।